दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं फिगर के थ्रू कि क्या डिफरेंस है दोनों में। वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इसमें जो है पहले इसके पार्ट को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये कंडेंसर हो गया, ये एक्सपांशन वाल्व हो गया, ये इवेपोरेटर हो गया और ये कंप्रेसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसमें जो है एक जनरेटर लगा हुआ है, कंडेंसर है, एक्सपांशन वाल्व है और नीचे एवेपोरेटर है, इधर अब्जर्वर है, यहाँ पंप लगा हुआ है और यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है। दोस्तों हमने इसमें ये देखा कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है और ये इसमें कंप्रेसर नहीं लगा हुआ है। इसके जगह पर जो है चार चीजों को लगाया गया है, ऑब्जर्वर को लगाया गया है, पंप को लगाया गया है, प्रेशर रिड्यूस वाल्व को लगाया गया है और जनरेटर को लगाया गया है। अब आगे हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को देखते हैं कि देयर इज यूज कंप्रेसर। यहां पर जो है वेपर कंप्रेसर में जो है कंप्रेसर का यूज होता है और वहीं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो है कंप्रेसर को यूज नहीं किया जाता है। इसमें यूज होता है पंप होता है, जनरेटर होता है और ऑब्जर्वर होता है। और जनरेटर दो चीजों को लिए दो चीज ले सकता है, जैसे यूज कर सकता है एनालाइजर और रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखते हैं वेपर कंप्रेसर सिस्टम में जो है हाई ग्रेड एनर्जी होती है और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लो ग्रेड एनर्जी होती है। फिर वेपर कंप्रेसर सिस्टम में सीओपी इज मोर होता है और इसमें जो है सीओपी इज लेस होता है। फिर इसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सीओपी इज मोर वियर एंड टियर होता है और इसमें लेस वियर एंड टियर होता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में मोर मॉइस्चर प्रॉब्लम होता है और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लेस मॉइस्चर प्रॉब्लम होता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सीओपी वेरी करता है 3 से 5 तक और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में सीओपी वेरी करता है 0.3 से 0.5। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में लीकेज प्रॉब्लम इज मोर होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो है लीकेज प्रॉब्लम लेस होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।